हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शोबिंग में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एयर इंडिया के तरफ से बहुत ही लेटेस्ट एक न्यूज़ रिक्रूटमेंट आया है, नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं उसके लिए यहां पे ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, जो लोग एयरलाइन में काम करना चाहते हैं, एयर इंडिया जो कि इंडियन एयरलाइन है उसके अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते मैं डिटेल्स में यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा कि एयर इंडिया के रिसेंटली क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, उसके साथ साथ आप किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को बता दूँगा पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग क्लियरली एयर इंडिया के जो जो रिसेंटली पोस्ट निकला है उस सब पोस्ट को क्लियर करके आप लोगों को बता दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या रिसेंटली पोस्ट आया है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एयर इंडिया के जो ऑफिशियल पेज है मैं उसको ओपन कर चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या लेटेस्ट जॉब यहाँ पे निकला हुआ है, लेटेस्ट क्या क्या वैकेंसी निकला है, मैं उसको यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पहले जो यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, वैकेंसी निकला हुआ है, नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 1973। तो दोस्तों, यहाँ पे अप्रेंटिस के वैकेंसी निकला हुआ है, डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है उन लोगों के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे भी और भी पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर द एक्सपीरियंस केबिन क्रू फॉर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड बेंगलोर। तो दोस्तों, जो लोग है एक्सपीरियंस केबिन क्रू है उन लोग केबिन क्रू है उन लोगों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला है, उन लोग जो लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वर्किंग इंटरव्यू और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर AME ऑन FETE बेसिक्स के यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। इसके साथ साथ और क्या वैकेंसी है इसको भी मैं यहाँ पे डिटेल्स बता देता हूँ। तो दोस्तों, रिक्रूटमेंट फॉर को पायलट के लिए भी यहाँ पे आपका पोस्ट निकला हुआ है। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो पोस्ट यहाँ पे है, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस। तो दोस्तों, इस अप्रेंटिस के जो जो डिटेल्स हैं इस रिक्रूटमेंट के, मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग एक्सपीरियंस केबिन क्रू के हैं एप्लीकेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आप लोगों को नीचे लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के भी यहाँ पे वर्किंग इंटरव्यू हो रहा है। तो दोस्तों, एक बार यहाँ पे उसको डेट आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा डेट में आप लोगों को जाना है। तो दोस्तों, फर्स्ट जो अप्रैल 2019 में यहाँ पे आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग फर्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे है अप्रेंटिस, इसका जो नोटिफिकेशन निकला हुआ मैं उसको डाउनलोड करके और एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या इस अप्रेंटिस के लिए एलिजिबिलिटेशन क्या रहेगा और कौन कौन लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा कि एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है अप्रेंटिस के लिए, जिसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है। तो जो लोग ग्रेजुएट है उन लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी, ग्रेजुएट विद डिप्लोमा जो लोग कर चुके हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड प्रोडक्ट्स के लिए, वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस होगा उन लोगों के लिए अ डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्निकली टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड डिप्लोमा के लिए अ डिप्लोमा इंजीनियरिंग और टेक्निकल ग्रांटेड बाय द स्टेट काउंसिल बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि एज एंड नेशनलिटी जो यहाँ पे दिया हुआ है, एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर द अप्रेंटिस रूल एंड ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई। तो दोस्तों, यहाँ पे ओनली इंडियन जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना
करना पड़े उसको भी यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पे दिया है 25 मार्च 2019, जिसके पहले यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पे आपको आपका जो रिक्रूटमेंट है वो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत।